गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मुखर्जी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 29। और इस क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दे रखी है और हमसे जो चीज़ कैलकुलेट करवानी है वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें दिया है 1,20,000 वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, 2,00,000 डायरेक्ट वेजेस दे रखे, 1,50,000 डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, 4,10,000 सेल्स दे रखी है, 10,00,000। और हमें जो कैलकुलेट करना है यहाँ कुछ लिखा है परसेंट ईच ऑफ द अबव फिगर्स ग्राफिकली ऑन ए ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट में जो हमें जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको है जो शो करना है डायग्राम के माध्यम से। तो डायग्राम को बनाने से पहले सबसे पहले इसके जो पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो डायग्राम्स के OX और OY होते हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ हमें शो करनी है उसके लिए कुछ एक चीज़ें और चाहिए हमें, जैसे कि ये ब्रेक इवन चार्ट के लिए ब्रेक इवन सेल्स चाहिए हमें। तो इसके लिए सबसे पहले BEP सेल्स निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट या BEP सेल्स बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोज अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो दे रखी है लेकिन पीवी रेशियो हमारे पास नहीं है। पीवी रेशियो कैसे निकाले, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है S-V/S x 100। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटानी है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल है ये वेरिएबल है, वेजेस ये वेरिएबल है, वेरिएबल ओवर ये भी वेरिएबल है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो तो वेरिएबल है इनको टोटल कर लेते हैं, ये 4,5,6,7,7,00,000 और 60,000 सेल्स में इसको बताना है। सेल्स कर लेते हैं पहले 10,00,-7,60/10 × 100। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले से करें, ऐसा हम लोग सेल्स है ये वेरिएबल कॉस्ट है और इन तीनों जो वेरिएबल कॉस्ट इनका टोटल 7,60,000। तो इसमें से घटाएं इसको तो यहाँ बचेगा 2,40, 7,60 जाएगा तो 2,40 बच जाएगा अपॉन 10,00,000 × 100। 2 जीरो से 2 जीरो हटाते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो हट जाएंगे, बचता है 24%। तो जो पीवी रेशियो वो 24% है और जो BEP है वो कुछ इस तरीके से होगा, फिक्स कॉस्ट 1,20,000 है, पीवी रेशियो हमारा 24% परसेंट टाइम के यहाँ घूमना कुछ बोल जाएगा। तो ये आ जाएगा 5,00,000। तो BEP सेल्स 5,00,000। तो इस तरीके से BEP जो सेल्स हमारी आ चुकी है। तो आगे हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है डायग्राम। तो डायग्राम को किस तरीके से कैलकुलेट करें उसके लिए थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले OX और OY यहाँ टोटल है, ये समान जो आंकड़ा है इनका ये 10,00,000 तक जाएगा। तो हमें 10,00,000 तक के आंकड़े दे रहे हैं, इसमें मैं आंकड़े यहाँ से बराबर अंतर करते हुए 2, 4, 6, 8 और 10 और इधर भी हम 4, 6, 8 और ये 10। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेल्स लाइन खींचनी होती है, ठीक है।
ज्ञान देते हैं सबसे पहले आउटपुट और इधर लिखेंगे कॉस एंड रेवेन्यू और क्या आते हैं इंडेक्स आउटपुट हमारा किसी प्रकार का दिया नहीं है इसलिए हम उसको इस तरीके से ऐसे छोड़ देंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि हमारी सेल्स है जो हाईएस्ट थी इधर भी रख सकते हैं 2 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख और 10 लाख तो 10 लाख है तो हम यहाँ से सीधे सेल्स लाइन यहाँ से खींच करके सीधा यहाँ मिलाएंगे तो ये लाइनें थोड़ी सीधी होनी चाहिए सीधी हो तब भी अच्छा लगता है तो लाइनें सीधी होनी जरूरी है। तो इस तरीके से हमने एक सेल्स लाइन खींच दी है और इस सेल्स लाइन के बाद में यहीं से हमें ये दिखा गया है कि आप ये सारी जो लागतें ये और शो करोगे तो सबसे पहले जो डायरेक्ट मटेरियल की लागत है 4 लाख 10 हज़ार तो ये हमें शो करनी है इधर ही दिखाएंगे इसको यहाँ देखिए आप 4 लाख तो यहाँ पे 4 10 है थोड़ा सा इससे ऊपर कर देंगे जैसे कि यहाँ ये इसका 5 हो गया इसका लगभग थोड़ा सा ऊपर यानी लगभग आप 4 के यहाँ टिक करेंगे पहले टिक मार सकते हैं यहाँ से लेकर के एक सीधी लाइन वहाँ मिलानी है आपको ये लाइन पे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए तो ये है इतना जो क्षेत्र है ये है वेरिएबल ओवरहेड का सॉरी ये डायरेक्ट मटेरियल का है ये डायरेक्ट मटेरियल आ गया है डायरेक्ट मटेरियल उसके बाद में 2 नंबर पे डायरेक्ट वेजेस है इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं इधर डायग्राम में तो ये है 1,50,000 यदि हम 4 10 में 1,50,000 जोड़ते हैं तो ये होता है 5,60 तो ये 7 में जोड़ लेके चलेंगे तो 5,60 बनाएगा तो ये 4 और 6 का बीच का ये 5 लाख हो गया 5 और 6 के बीच में 5,50,000 हो गया इससे थोड़ा सा ऊपर तो 6 से थोड़ा सा यहाँ तरीके से नीचे यहाँ आएगा तो इस हिस्से को यहाँ सीधा हम इसे मिलाएंगे तो इस तरीके से इसको और यूं मिला देंगे तो ये जो क्षेत्र हो गया ये है ये है डायरेक्ट वेजेस यानी कहते हैं इसके बाद में वेरिएबल ओवरहेड 2 लाख इसमें साथ साथ में जोड़ते जाएंगे 2 लाख और जोड़ देते ही होते 7,60 तो ये 7 और 60 8 से थोड़ा सा यहाँ नीचे आएगा तो यहीं से हम लाइन खींचेंगे जो कि लाइन सीधी करनी है हमें ये 9 हो गया है
स्थान है, तो हम यहाँ से सीधा यहाँ इसको मिलाएंगे, तो ये रेखा बिल्कुल सीधी रेखा होगी यहाँ। दोबारा से इसको सही से मिला लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।